सुप्रभात। पिछली कक्षा में मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, किसी कारणवश वह कक्षा 9 के साथ जुड़ गया था, जिसके लिए हमें खेद है। पिछली कक्षा में हमने मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तरों की चर्चा की थी। आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हीरा मछली ने सभा में क्या विचार प्रस्तुत किए? उत्तर इस प्रकार है, हीरा मछली ने सभा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मेरी राय में किसी मुसीबत के आने से पहले ही उसका निराकरण कर लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सुनिधि मछली ने समस्या का समाधान किस प्रकार किया? उत्तर, सुनिधि मछली ने समस्या का समाधान निकालते हुए पूरे उत्साह से कहा कि हमें आने वाली परिस्थितियों का सामना डट कर करना चाहिए, केवल मछुआरों की बातें सुनकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं उनका परिणाम क्या होता है? उत्तर, जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, स्वयं परिश्रम नहीं करते, वे पारो मछली की तरह जाल में फंसकर मर जाते हैं और उनके जीवन में कष्ट भोगना ही लिखा रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमें आने वाली परिस्थिति का सामना डट कर करना चाहिए, इस कथन का अभिप्राय क्या है? हमें आने वाली परिस्थिति का सामना डट कर करना चाहिए, इस कथन के द्वारा लेखक ने यह बताया है कि हमें परिस्थिति का सामना साहसपूर्वक करना चाहिए और जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे अपनी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान करते हैं। पुस्तक में व्याकरण भाग की चर्चा इस प्रकार है। प्रश्न 3, दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर के आगे सही लगाएं। कहानी का नाम लिखें, भाग्य के भरोसे। किसकी बातें सुनकर मछलियां डर गईं? मछुआरों की। उनके सामने कौन सी समस्या आ गई थी? जीवन रक्षा की। समस्या समाधान के लिए उन्होंने किसका आयोजन किया? सभा का। रक्षा का सर्वोत्तम उपाय क्या था? नदी छोड़कर जाना। व्याकरण भाग कुछ इस प्रकार से है, नीचे दिए गए उपसर्ग व प्रत्ययों से नए शब्द बनाएं। उपसर्ग स जोड़ प्रेम, स प्रेम। अ जोड़ प्रसन्न, अप्रसन्न। ना जोड़ पसंद, नापसंद। प्रत्यय भय जोड़ भीत, भयभीत। बुद्धिमान जोड़ ई, बुद्धिमानी। व्यक्ति जोड़ तत्व, व्यक्तित्व। दूसरा, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों से
रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, देखो इस नदी में कितनी मीन है। दूसरा, अगले दिन प्रातः ही मछुआरे उस सरिता पर आए। तीसरा, सुनिधि मछली शीघ्रता से उछलकर जल में प्रविष्ट हो गई। चौथा, आपत्ति के आने से पूर्व ही उसका निदान कर लेना चाहिए। तीसरा, दिए गए शब्दों के अर्थ समझाकर उनके वाक्य बनाएं। ओर, तरफ और, तथा, दिन दिवस, दीन गरीब, बात बातचीत, वात हवा, परिणाम नतीजा, परिमाण मात्रा, इन सब शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। बाईं ओर दिए गए शब्दों को समझकर उनके सामने वाले शब्दों को पूरा करें। जांच इम्तिहान परीक्षा, तकलीफ कष्ट, नसीब भाग्य, हिम्मत साहस, हालात परिस्थिति। वर्ण विच्छेद करें। वर्ण विच्छेद इस प्रकार से हैं, आप सब अपनी पुस्तक में इस प्रकार से वर्ण विच्छेद कर लें। ये सारे काम आप अपनी पुस्तक में पूरे कर लीजिएगा और हिंदी की कॉपी में सारे प्रश्नोत्तरों को लिखकर कार्य पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।